शुभ्रातम जातिगण, मैं दयाकिशन जोशी शास्त्री विष्णु सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत करता हूँ। विद्यार्थीगण, विषय हम संस्कृतम कक्षा सप्तम। तो विषय संस्कृत हो गया, कक्षा अपनी सप्तम कक्षा आ रही है। तो विद्यार्थीगण, शीतकालीन अवकाश के बाद अपने आज लोग मिले हैं। आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा पढ़ के संस्कृत। कैसे हैं बच्चे आप लोगों? सब लोग अच्छे होंगे। नए साल अभी आपको मुबारक हो। नए साल में मुबारकबाद भी हमने नहीं दे पाए विद्यार्थीगण, कोई बात नहीं, अभी नया साल ही चल रहा है। तो विद्यार्थीगण, सातवीं कक्षा के अंदर, सप्तम कक्षा के अंदर अपने जो पाठ आज पढ़ेंगे वह पाठ है चतुर्थ पाठ, और जिसका नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। हास्य बाल कवि सम्मेलनम जो आ रहा है, जैसे कि आपको पता है नाम से जो है हमें जाहिर हो रहा है कि क्या है, हास्य बाल कवि सम्मेलनम। हास्य यानी हंसने वाला, हास्य का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? हंसने वाला हो जाएगा। तो हास्य कवि बाल सम्मेलनम यानी हंसता हुआ, जिसके अंदर बाल कवि बच्चों का, बालकों का कवि बच्चे हैं वह कवि के रूप में हैं, और उनका जो है सम्मेलन हो रहा है। तो सबसे पहले हमें पाठ को समझना ज़रूरी होता है कि पाठ के अंदर है क्या। हमने जब ये समझ लिया कि पाठ के अंदर है क्या, तो हम हर चीज़ को कर सकते हैं, उसके अंदर हमें किसी प्रकार की दिक्कत जो है नहीं होती है विद्यार्थीगण। तो हास्य बाल कवि सम्मेलन को देखते हुए यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर देखो चित्र भी देखो, सबसे पहले चित्र को समझो, इतने सारे लोग हैं, ठीक है ना, पांडाल जैसा बना हुआ होगा ये। यहाँ पर बच्चे भी हैं यहाँ पर, और सब लोग अपनी अपनी कविताओं का प्रयोग किए कर रहे हैं। विविध वेशभूषा धारिण चतवार बालक कवया मंच से उपरी उपविष्टा संति। बहुत अच्छी बात। विविध अनेक वेशभूषा धारिण, विविध यानी अनेक प्रकार की वेशभूषा, वेशभूषा यानी जो ड्रेस है उसको धारण किए हुए चतवार बालक वे, चार बालकों का समूह, बालक वे यानी समूह, मंच से उपरी उपिष्टा संति, मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अनेक वेशभूषा धारण, अनेक वेशभूषा को धारण करे हुए चार बालक वे, चार बालकों का जो समूह है मंच से उपरी उपिष्टा संति ही मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, चार ये जो कवि दिख रहे हैं ना आपको, ये देखो कि मैंने गोला मांड दिया इन पे, ये चार कवि हैं बेटा, बच्चे हैं। इन बच्चों का जो सम्मेलन है वह चल रहा है, चार कवियों का सम्मेलन यहाँ पर चल रहा है बच्चों। अब यहाँ पर देखो चार बच्चे हैं, ये लोग बैठे हुए हैं, अच्छी प्रकार दिख रहा होगा आपको बच्चों। जल्दबाजी नहीं करता हूँ पढ़ाते हुए, आराम से समझाता हूँ। देखो लोग वहाँ बैठे हुए हैं, स्पीकर लगा हुआ है, एक आदमी यहाँ बोल भी रहा है ना, और ये यहाँ पर देखो चार बच्चे यहाँ पर आराम से बैठे हुए हैं। अब देखो यहाँ पर आ गया संचालक। संचालक जो होता है यानी कवि जो कविताओं का जो रखता है, संचालक जो होता है मुख्य संस्था का जो मेन होता है, उसके बाद कही गई है। तो संचालक अलम कोलाहनेन, अलम निषेधवाचक शब्द है विद्यार्थीगण, ये अलम यानी मत, और मत यानी नहीं, कोलाहलेन यानी शोर, कोलाहल मत करो, शोर मत करो, हल्ला मत करो। कोलाहल का जो शब्द है इसका अर्थ जो होता है शोर भी दे रखा है, देखो यहाँ पर बिल्कुल सही चीज़ है, शोर या हल्ला वगैरह ये शब्द इसके अंदर आते हैं विद्यार्थीगण। शब्दार्थों को हमेशा हमें देखना चाहिए। तो संचालक कह रहा है अलम कोलाहलेन, शोर मत करो, हल्ला मत करो, मायूस मत हो आप लोग बच्चों, आराम से पढ़ो समझो, है ना, हमें किसी की अवहेलना नहीं करनी बेटा, मायूस मत होइए बेटा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा जाओगे काम बन जाएगा। अलम कोलाहन अध्या परम हर्षस्य अवसर यत, अध्य यानी आज। अब ये अध्य क्या है बच्चों? अध्य भी हमारा आ रहा है अव्यय शब्द आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चों? अव्यय शब्द आ रहा है। तो अध्य का जो मतलब है, अध्यय का यानी आज, यानी यह अव्यय शब्द हो गया। आज परम हर्षस्य अवसर, आज अत्यधिक हर्ष का अवसर है, हर्ष यानी प्रसन्नता का अवसर है, अवसर यानी समय है,
यानी आज अत्यधिक प्रसन्नता का अवसर है यत अस्मिन् कवि सम्मेलने की हमारे कवि सम्मेलन में काव्य हंतारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरंधरा समागता सन्ति। ठीक है ना, तो इसने बता रखा है कि काव्य को नष्ट करने वाले, समय बर्बाद करने वाले धुरंधर अग्रणी श्रेष्ठ कालयापका समय को बर्बाद करने वाले काव्य अंतर काव्य को नष्ट करने वाले। तो क्या कह रहा है ये, इसे को देखो, बता रहा है कि यत अस्मिन् कवि सम्मेलने कि हमारे कवि सम्मेलन में काव्य हंतार काव्य को नष्ट करने वाले च कालयापक समय को बर्बाद करने वाले भारतस्य हास्य कवि धुरंधरा भारत के हास्य कवि यानी हंसने वाले जो कवि जो धुरंधर श्रेष्ठ हैं समागतः संति यहाँ पर आए हुए हैं। बहुत अच्छी बात है, बच्चे हैं, बच्चे तो अब काव्य का जो है नष्ट करेंगे उनको, है ना। कई कई बच्चे अच्छा प्रयोग भी करते हैं, कई उनको जो है नष्ट करने का भाव भी करते हैं। तो काव्य हंतार काव्य को नष्ट करने वाले च कार्यापक्ष समय को बर्बाद करने वाले भारत से हास्य कवि धुरंधर भारत के हास्य कवि में जो धुरंधर हैं समागतः संति आए हुए हैं। ए ही करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम करु, ए ही इस प्रकार करतल ध्वनिना। तो विद्यार्थीगण आपको पता है ना करतल ध्वनिना का मतलब क्या होता है। करतल ध्वनिना तालियों की आवाज़ से वयम हम सबको एतेषां इनका स्वागतम कुर्म स्वागत करना चाहिए, यानी हमें इनका स्वागत करना है। किससे करना है, करतल ध्वनिना, करतल यानी तालियों की आवाज़ से हमें इनका स्वागत करना है। तो ये कौन बात कह रहा है, संचालक जो है इस बात को बता रहा है कि संचालक ने ये बात बताई है कि आज हमारे हास्य कवि सम्मेलन चल रहा है, इसके अंदर चार बच्चे हैं, है ना, जो कवि को नष्ट करने वाले और काल या पकश समय को भी नष्ट करने वाले हैं, समय को बर्बाद करने वाले भारत के हास्य कवि धुरंधर समागत यहाँ पर आए हुए हैं। ए ही करतल ध्वनिनाम वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः, इसलिए करतल ध्वनिना तालियों की आवाज़ से हमें इनका जो है स्वागत करना चाहिए। फिर है गजाधर, गजाधर कोई व्यक्ति है, गजाधर यहाँ पर कोई व्यक्ति का नाम आ गया। गजाधर कह रहा है सर्वेभ्यो असिकेभ्यो नमो नमो, सर्वेभ्यो, है ना, यहाँ पर सर्वेभ्यो अर्षिकेभ्य नीरसजनों को, है ना, तो सर्वेभ्यो अर्षिकेभ्यो नमो नमः, यानी सभी जो नीरस लोग हैं को नमो नमः, यानी उनको नमस्कार। गजाधर कह रहा है प्रथमं तावद अहम आधुनिकं वेदम उद्दिश्य सौख्यम काव्यम श्रावयामि, प्रथमम सबसे पहले तावद हम तब मैं अहम जब मैं आधुनिक वेद के उद्देश्य से अपने काव्य को सुनाता हूँ। वेद के उद्देश्य से, वेद को उद्देश्य करके, वेद होते हैं ना डॉक्टर वगैरह, तो उनको उद्देश्य करके जो है यह जो है अपने काव्य को सुनाना चाह रहा है विद्यार्थीगण। तो इसको अपने अब कल पढ़ेंगे, समझेंगे। धन्यवाद विद्यार्थीगण।